संगीत गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सिमरन, गुड आफ्टरनून कनिका, अर्चना, आर्यन एंड एवरीवन एल्स। सो दिस इज अ फर्स्ट इंग्लिश क्लास। Yes, good afternoon, Jyoti. Yes, good afternoon, Sheetal, Nandita. चलिए, let's start with the session. So, यहाँ पे हम banking and SSC दोनों के experience यहाँ पे. Has anyone of you given any examination yet? कोई सा एग्जाम दिया आपने भी, बैंकिंग एसएससी और समथिंग? नो सर। नो नो सर। नो सर। चलिए तो फिर हम लोग आज, और आप दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना साथ में, मतलब बैंकिंग एंड एसएससी, चलो दोनों को डिस्कस करते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। एंड मोस्टली वी विल टॉक अबाउट द इंग्लिश पार्ट, किस तरीके से हाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। ओके, तो इंग्लिश में जो इंग्लिश का पोर्शन होता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, यू नो दैट इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एज इन फर्स्ट इज आरसी, नेक्स्ट इज ग्रामर, ठीक है, एंड वोकैब, राइट। तो आरसी में क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कि हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में तो क्या आता है, पैसेज, राइट, कि पैसेज इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। साथ ही साथ इसमें आएगा विल गेट क्लोजेस्ट एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, मतलब दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जाम। जहां पे हम आरसी की बात करें तो उसमें तीन क्वेश्चन जो है हम लोग बेसिकली सोचते हैं कि इसमें से आते ही वाले, ठीक है, और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट है तीनों ही, ठीक है। पैसेज आई गेस सबको क्लियर होगा, क्लोजेस्ट क्या होता है, देखा सबने होगा क्वेश्चन वाला, फिल इन द ब्लैंक, यस, फिल इन द ब्लैंक क्या करते हैं, बिल्कुल सही। सुमित, हम किस तरीके से देखते हैं, जो होता है ना कि देयर इज अ पैराग्राफ जिसके अंदर यू गेट ब्लैंक्स, लाइक अराउंड 5 to 10 ब्लैंक्स यू गेट, इस तरीके से कोई भी पैराग्राफ होता है और उसमें आपको ब्लैंक्स दिए होते हैं, ठीक है, और हर एक ब्लैंक के लिए यू गेट options, like respective options, respective blank के लिए इस तरीके से आपको options दिए होते हैं, you have to read the paragraph and हर एक blank के लिए आप उसके according जो options सही लगता है उसके according आप mark करते हो, ठीक है। तो yes, this is a closed test, ठीक है। Then there is rearrangement, rearrangements या फिर paragraphs भी बोलते हैं, ठीक है, although इन्हें आप कई तरीके से आप exam में मिलते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे वे last की, ठीक है, reading comprehension। तो पैसेज तो हम लोगों ने देखा है, पैसेज तो दिस इज फर्स्ट थिंग जो सबसे बेसिक है जो हम लोगों ने हमेशा से देखा है, स्कूल टाइम से हम लोग सॉल्व करते आए हैं। तो जहाँ पे आपका क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, एक पैसेज दिया होता है, उससे उसी पे बेस्ड देयर आर क्वेश्चंस एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड करते हैं। तो ये पैसेज हमारे वैसे ही है जैसे हम स्कूल में करते थे, बस थोड़ा सा रीडिंग पार्ट अच्छा कर दिया है। एंड नेक्स्ट इज क्लोज टेस्ट हम लोग देखते हैं इस तरीके से आता है। देन कम्स रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, ये क्वेश्चंस पे आपने देखे होंगे। फर्स्ट इसका तरीका होता है ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी सेंटेंस हो सकते हैं, आई मीन फोर सेंटेंस जनरली दिए जाते हैं आपके एसएससी में, पीक्यूआरएस करके इसमें सेंटेंसेस होते हैं, जंबल्ड फॉर्म में होते हैं, आपको रीड करने के बाद आपको सही उसके फॉर्म में सही स्ट्रक्चर में लगाना होता है उसे, ठीक है। यू हैव टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर रीडिंग, आप उन सारे सेंटेंस को रीड करते हो एंड उसे अरेंज करते हो सही मीनिंगफुल पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से सब लोगों ने देखे होंगे, रीअरेंजमेंट वाले भी, ठीक है।
और बैंकिंग में क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ कि कैसे पूछे जाते हैं। एसएससी में क्या होगा, मोस्टली पीक्यूआरएस अगर दिया है एंड देयर आर सेवरल सेंटेंसेस गिवन, तो व्हाट यू गेट, देयर आर सर्टेन सीक्वेंसेस गिवन इन ऑप्शंस, ठीक है, क्यूपीआरएस क्यूपीएसआर कुछ भी इस तरीके से दिया होगा, एंड रीड करने के बाद जो भी आपका करेक्ट सीक्वेंस आ रहा है वो आप इन ऑप्शंस में से लगा लेते हो, ठीक है। कुछ भी दिया होगा, जैसे हमारे अकॉर्डिंग रीआर है तो एबीसीडी करके इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं, और आपके अकॉर्डिंग जो करेक्ट सीक्वेंस होगा आप उसमें मार्क कर देते हो, यानी उस पर क्लिक करते हो, वो आपका आंसर होता है। बैंकिंग में जनरली क्या होता है, बैंकिंग में दे आर गिविंग लाइक 5 to 6 or 7 सेंटेंसेस, कभी कभी 7 भी दे देते हैं, एंड यू हैव टू अरेंज, यू हैव टू जो भी आपका सीक्वेंस बन रहा है सी ए बी डी ई एफ जो भी आपका सीक्वेंस होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, दे विल आस्क क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द व्हिच इज द फर्स्ट सेंटेंस, आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, तो आपके आपने जो अरेंज किया है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेंटेंस अगर सी होगा तो जो भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें आप सी मार्क कर लोगे, ठीक है। सेकंड कौन सा है, तो सेकंड आपके अकॉर्डिंग ए है तो आप सेकंड ए मार्क कर लोगे, ठीक है। दिस इज हाउ यू गेट सेंटेंस रीअरेंजमेंट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एसएससी में इस तरीके से मिलता है एंड बैंक में इस तरीके से, ऑल्दो पैटर्न कई बार चेंज होता रहता है तो उसके लिए तो हम हमेशा तैयार रहेंगे, बिकॉज जब हम लोग सेंटेंसेस को पढ़ के इस तरीके से अरेंज करना शुरू करेंगे तो हम हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, कई बार जैसे यहाँ तो हमने देख लिया कि पैराग्राफ रीअरेंजमेंट यानी कि सेंटेंस रीअरेंज करने के लिए, कई बार आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जहां पे एक सेंटेंस के ही कुछ पार्ट दिए होते हैं, जैसे ए पार्ट दिया देन बी देन सी देन डी, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ये पैराग्राफ नहीं होता, एक सेंटेंस होता है, या फिर ई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसे अरेंज करना होता है, देन इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के बाद यू हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस आपको बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही दिए होते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है पूछने का, तो ये हमारे जंबल सेंटेंसेस, जंबल पैराग्राफ, पैराजंबल्स किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, एंड द बेसिस इज रीडिंग, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अगर हम मतलब समझते हैं तो क्या होता है, रीडिंग तो रीडिंग होता है, कॉम्प्रिहेंशन इज व्हाट डू यू कॉम्प्रिहेंड फ्रॉम द पैसेज, कि पैसेज को पढ़ने के बाद में क्या समझ में आया। सो डू यू गाइस रीड, कुछ रीडिंग जैसा करते हो, मतलब पसंद है, एज इन क्या बोलते हो उसे, बस अपने लेजर टाइम में रीडिंग करना, यस कनिका व्हाट यू रीड, some books, what kind of books, like novel kind of books or study material, novels, okay, Shruti you read novels, acha Mansi you read articles in the newspaper, chalo bhi acha hai, usually mystery books and of course books स्टडी बुक्स केस में तो वी डोंट हैव एनी चॉइस, है ना अनिका, तो बट यस ठीक है। मिस्ट्री बुक्स यानी कि मिस्ट्री बुक्स का ऐसा तो नहीं कि बुक्स फाइंड करना मिस्ट्री है, गॉट योर पॉइंट, यानी कि नॉवेल्स मिस्ट्री मिस्ट्री वाली नॉवेल्स ऐसा, ओके गॉट इट। नंदिता नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर, वेरी नाइस। ओके श्रुति समटाइम बुक्स एंड ब्लॉग्स आल्सो, ओके चलो देखो रीडिंग इज द बेसिस, बिकॉज अभी इसमें क्या होता है ना, सबसे ज्यादा हमें जरूरत होती है रीडिंग की, रीडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो भी पार्ट्स हैं आपके, ठीक है सर, जो नहीं पढ़ रहे, जो नहीं पढ़ रहे वो पढ़ना शुरू करें क्लियर, ठीक है। अगर कुछ रीडिंग नहीं करते हो तो पता है व्हाट इज द थिंग, कई बार आप देखोगे जैसे हम लोग अगर पैसेज की बात करते हैं या क्लोजेस की बात करते हैं, रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, पैसेज तो हम लोगों ने हमेशा से सॉल्व किए, स्कूल टाइम से देखें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। देयर इज अ पैसेज एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ऑफ कोर्स यहाँ पे पैसेज थोड़ा सा अच्छा होता है, अगर हम बैंकिंग की बात करें तो पैसेज और ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और 10 क्वेश्चन, समटाइम यू गेट अराउंड 10 क्वेश्चन, 5 to 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ऑफकोर्स सिर्फ वो रीडिंग पे ही बेस्ड होंगे, तो ऑफकोर्स रीडिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमें स्पीड भी, अभी तक देखो एक होता है ना, व्हेन वी रीड अ नॉवल
तो वो उसे एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग ऐसे हम एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं होती, हमें क्वेश्चन आंसर नहीं करने होते, हम आराम से एंजॉय कर रहे हैं उसे, ठीक है। और लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग को और थोड़ा सा बात करें तो पैसेज मतलब चीजें पढ़ के थोड़ा समझ में आना। एंड जैसे कि नंदिता सेठ की शी रीड्स न्यूज़पेपर, अभी न्यूज़पेपर क्या होता है, न्यूज़पेपर ठीक है हम लोग लेजर के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके अलावा अगर आर्टिकल्स हम उसमें देख रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, तो वहां से हम एक सेंस ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं फॉर द राइटिंग सेक्शन। कि कोई भी अगर एक थोड़ा सा भी जैसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स तरीके के जो आर्टिकल्स होते हैं, व्हेन वी रीड देम वी अंडरस्टैंड देम इजीली, ठीक है, मतलब और जब आपको उसे जल्दी समझ पाते हो तभी आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे जो आप पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि पैसेज में अगर हम लोग बात करते हैं, पैसेज की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपको जब आंसर्स दिए जाते हैं तो बिटवीन द लाइंस आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही से होनी चाहिए, तब आप उस चीज को कर सकते हो। और ऑफ कोर्स स्पीड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम केवल एक्यूरेसी पे और इस पे ध्यान देते हैं, पढ़ के हमारी समझ में आ रहा है, देन वी गो फॉर द स्पीड। तो जो लोग केवल अभी तक नॉवेल्स पढ़ रहे हो, यू शुड शिफ्ट टुवर्ड्स न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं वो स्टार्ट करें फिर धीरे धीरे पढ़ना। यू कैन स्टार्ट विद द स्टोरीज अगर टाइम है ऐसा वाला तो, और वरना यू शुड स्टार्ट रीडिंग सम आर्टिकल्स न्यूज़पेपर का। पहले आई वुड सजेस्ट कि न्यूज़पेपर के उस सेक्शन से शुरुआत करो जो पसंद आता है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, एंटरटेनमेंट न्यूज और एनी मिसलेनियस इंटरनेशनल न्यूज, देन यू हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स एडिटोरियल्स। बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, पैसेज हो गया, क्लोजनेस हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, कई बार दे गिव क्वेश्चंस फ्रॉम दोज न्यूज़पेपर्स ओनली, ठीक है, वहां से देते हैं। और अलग अलग न्यूज़पेपर से, हिंदू और टेलीग्राफ, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स, सबसे किसी से भी आ सकता है आर्टिकल। और इसीलिए हमें थोड़ा अलग अलग टॉपिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो हर एक टॉपिक के बारे में हमें चीजें समझ में आना शुरू होती है और हम ज्यादा चीजें तैयार हो पाते हैं फॉर दिस सेक्शन, ठीक है। तो देखो पैसेज तो पूरी तरीके से रीडिंग बेस्ड है, ओके। ऑल्दो हम इसकी चीजें सारी बाद में डिस्कस करेंगे कि हम पहले पैसेज पढ़े या क्वेश्चन पढ़े, बिकॉज स्कूल में तो बहुत ईजी आता था ना, स्कूल में अगर हम कभी पैसेज अगर किया होगा किसी ने, सभी ने किया होगा वैसे, वहां पे तो हम लोग क्वेश्चन लिखते थे आता, देन बिकॉज दिखाते थे, बाकी पैसेज में से लिख देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। कभी कभी इसमें टॉपिक भी बताना होता है कि क्या टॉपिक है सेंटेंस का, पैसेज का, तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। देन कम्स क्लोज टेस्ट। अब देखो क्लोज टेस्ट जैसे कि हमने बात की, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, ओके। तो क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, देखा जाए तो इट इज व्हाट, इट इज अ पैराग्राफ जिसके अंदर ब्लैंक्स हैं, है ना, एक पैराग्राफ है जिसके अंदर ब्लैंक्स है, तो अगेन रीडिंग वाला पार्ट ही आ गया, बिल्कुल पैसेज की तरह। तो दिस इज अ पैसेज जिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और क्लोज टेस्ट एक पैसेज है जिसके अंदर ब्लैंक्स हैं, तो अगेन आपको फिर से रीडिंग यहां पे हेल्प करने वाली है, ओके। एंड देन कम्स रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या है, एक पैसेज है जिसके सेंटेंसेस जंबल्ड हैं, आपको अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग उसे सही तरीके से अरेंज करना है, तो अगेन देखा जाए तो इन तीनों के अंदर ही कहीं ना कहीं पैसेज इज इन्वॉल्व, बेसिकली दे आर आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और अब बात करते हैं अबाउट द थिंग कि फिल, इसमें ब्लैंक्स होते हैं ना, क्लोज टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिस इज रीडिंग, ठीक है, तो रीडिंग तो हमें करनी है ताकि हम समझ पाए, साथ ही साथ नेक्स्ट पार्ट आता है वोकैबुलरी, ठीक है, ग्रामर के बारे में बात करते हैं हम लोग। वोकैबुलरी के लिए अगर हम देखें तो आप जब रीडिंग करते हो कोई भी, तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स जो आपके सामने आते हैं, ठीक है, और उनको आप पढ़ते हो, तो ये चीज इस तरीके की आपको क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। मान लो कोई भी क्लोज टेस्ट, कोई भी चीज यहाँ पे कॉन्टिन्यू चल रही है, एंड देयर इज अ ब्लैंक, ठीक है, यहाँ पे दिया है, और उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ठीक है। तो आप अगर आपने कोई भी इस तरीके की चीज, मान लो एबीसीडी करके यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपके लिए, ठीक है, तो अभी साथ में हमें वोकैबुलरी कैसे इसमें इन्वॉल्व होती है। देखो तो हम रीडिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं, बट रीडिंग सेक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन द वोकैबुलरी, ठीक है। इसमें कोई भी वर्ड यहाँ पे दे रखा है और आपको उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। एंड हम सीधे आज ही बात करते हैं भी कि वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए व्हाट वी विल डू। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी, एंड साथ ही साथ व्हाट यू शुड डू, यू शुड मेक अ नोटबुक, अभी से काम करना शुरू कर देना। देखो वोकैबुलरी का क्या है ना, ग्रामर तो हम लोग किसी टाइम पे तैयार कर रहे हो, राइट। तो अच्छा, जो लोग रीडिंग कर रहे हो, मतलब डू यू थिंक योर वोकैबुलरी somehow इंप्रूव्ड, अभी वर्ड्स आपको मिलते होंगे ना, जैसे वाज रीडिंग न्यूज़पेपर या नंदिता यू रीड न्यूज़पेपर, उसमें आपको वर्ड्स मिलते हैं ना, मतलब कुछ अच्छे, डू यू नोट इट डाउन, व्हाट डू यू डू।
आई थिंक शी इज नॉट हियर. अच्छा बाकी लोग जो भी आप चीजें पढ़ रहे होते हो ठीक है आर्टिकल्स ऐसे वहां से पढ़ते हो तो उसमें वर्ड्स मिलते हैं डू यू नोट डाउन द वर्ड्स या आप डिक्शनरी में देखते हो कभी साथ में पढ़ने के बाद. अच्छा यू सर्च ऑन डिक्शनरी बिल्कुल सही एंड दिस इज पता है दिस इज अ वेरी गुड हैबिट नोट देम डाउन नाइस ज्योति. ओके नदिता तो बिल्कुल सही ये काम पता है ये काम बिल्कुल करते रहना है नोटबुक पे जो भी आप जो भी वर्ड सीखोगे अभी काम ना एक्टिवली करना है. ऑल दो हम लोग अभी मैं बता दूं कि पैसिव प्रोसेस मानता हूं मैं वोकैबुलरी करने को तैयार करने को. यस ये तो दिस इज गुड अभी इसी तरीके से करना होता है हम लोग जो भी वर्ड देखते हैं ना उसे नोट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस यू लुक एट लुक इनटू द वर्ड जो भी वर्ड है आप उसे डिक्शनरी में देखते हो तो थोड़े टाइम बाद वी टेंड टू फॉरगेट द वर्ड भूल जाते हैं हम लोग अगर उसे दोबारा ना देखें दोबारा रिवाइज ना करें तो. और वरना लास्ट में वैसे हमें इतना याद आता है कि हाँ ये सुना हुआ लग रहा है दैट्स इट वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ यस नदिता बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमने कभी सुने नहीं होते. और रीडिंग से क्या होता है ना देखो एक होता है वोकैबुलरी हम रैंडमली तैयार कर रहे हैं एक होता है व्हेन यू रीड तो आप उस वर्ड का यूसेज भी देख लेते हो सही से कि हाउ टू यूज दैट वर्ड ठीक है. क्योंकि अगर आप रीडिंग कर रहे हो किसी भी जगह पे और वो वर्ड यूज किया गया है कोई पर्टिकुलर वर्ड किसी सेंस में तो आपको पता है वो किसी भी सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा आपको पता होगा उसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा ठीक है. ये वाली सारी चीज सेंटेंस फॉर्मेशन का नाता है मैं उसका ठीक है. और यही चीज देखो अब आपने ये क्या किया ये आपने रीडिंग से सीखा और ये चीज आपको हेल्प करती है इस ब्लैंक को फिल करने में ठीक है. यस सेंटेंस फॉर्मेशन पता कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से तो ये चीज है आपकी तो रीडिंग से आप इस ब्लैंक को फिल कर पाते हो यानी कि आपका जो क्लोजनेस है वो रीडिंग प्लस वोकैबुलरी ठीक है. वोकैबुलरी रीडिंग तो इन्वॉल्व हुई साथ ही साथ वोकैबुलरी भी इन्वॉल्व है. और आपको पता है पैसेज के अंदर भी समटाइम्स व्हाट दे डू कि एक वर्ड हाइलाइटेड है एंड यू हैव टू फाइंड द मीनिंग सिनोनिम ऑफ द वर्ड और एंटोनिम ऑफ द वर्ड टू मूव अप करते हो रीडिंग से ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग जहां पे मैं बताना चाहूंगा एक और चीज कि इसमें ग्रामर भी आपकी इंप्रूव होती है ठीक है. ग्रामर कैसे इंप्रूव होती है एट टाइम्स आपको पता होगा देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिसके साथ कभी हम लोग जैसे कोई भी वर्ड है कि हमें पता होता है इसके टू लगेगा या ऑफ लगेगा ऑन लगेगा या फिर इन लगेगा इस टाइप की चीजें डिपेंड समटाइम डिपेंड ऑन द वर्ड बिकॉज एवरी वर्ड टेक्स डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशन कई बार अलग अलग पोजीशन लगते हैं. तो यहाँ पे अगर आपको कोई एक अच्छा वर्ड भी लिखा हुआ है ऑप्शन में तो भी आपको अगले आगे प्रीपोजिशन पे डिपेंड करेगा कि हम इसमें से कौन सा वर्ड सिलेक्ट करने वाले हैं ठीक है. तो दिस ऑल दिस लाइक जो भी इसके अंदर आपका जो भी स्किल्स लगते हैं वो सारे इम्प्रूव होते हैं रीडिंग से. इसलिए मैं तो ये हमेशा बताता हूँ फ्रेजल वर्ब्स ये सर्चना फ्रेजल वर्ब हम सीखते हैं ना इसमें रीडिंग से ही बिल्कुल सही ठीक है. जैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे लुक आफ्टर अगर हम बोलते हैं लुक आफ्टर का मतलब तो हमें पता है लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर है ना. ये हमने बचपन से सीखा हमें याद भी नहीं हमने कब सीखा होगा बस हमें पता है कि लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर ओके. तो इससे और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब सीख रहे होते हैं ठीक है. जैसे व्हेन वी यूज सिंपल से बताता हूँ ब्रेक इनटू ठीक है. ब्रेक इनटू वैसे तो हम लोग क्लासेस में क्लास के अंदर फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे बट अगर कोई सेंटेंस यूज किया गया ना द थीफ ब्रोक इनटू द बैंक यस्टरडे द थीफ्स ब्रोक इनटू द बैंक यस्टरडे तो अगर आपने ऐसा कुछ न्यूज पढ़ी इनटू द बैंक ऐसा कुछ बोला जा रहा है इनटू द बैंक यस्टरडे ठीक है. अगर आपने ऐसी कोई न्यूज पढ़ी या आपने ब्रेक इनटू या ब्रोकन टू ऐसे पढ़ा तो आपको सेंटेंस पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब है दे एंटर्ड फोर्सफुली उन्होंने दीवार या ताला तोड़ के व्हाटएवर दे एंटर्ड द बैंक ठीक है आगे के लिए. तो इस इन्फॉर्मेशन को आप आगे कहीं भी यूज कर सकते हो ठीक है. और सबकॉन्शियसली हम सारी चीजों को ग्रैप करते ही रहते हैं ठीक है. तो इस तरीके से आप इम्प्रूव कर लेते हो अपना क्लोजेस्ट यानी कि उसके अंदर सही ब्लैंक कॉन्सेप्ट फिल करना है उसका स्किल आपके अंदर आ जाता है. नेक्स्ट है हमारा जो हमने बात की थी भी रीअरेंजमेंट की ठीक है. देखो ये पता है क्या दीज आर द मेजर पोर्शन बहुत ज्यादा पोर्शन कवर करते हैं बिकॉज पैसेज अगर आता है तो 5 से 10 क्वेश्चन यू गेट ऑन पैसेज क्लोजनेस अगेन 5 to 10 क्वेश्चंस
and rearrangement around 5 questions you get on rearrangement as well. ठीक है, तो अच्छा portion cover करता है reading reading section को, तो हम लोग अच्छा अपना strong बना के चलेंगे इंसान में. ठीक है, तो rearrangement में क्या होता है, आपको पता है आपको arrange करना है. जब आप रीडिंग करते हो तो हम कहीं ना कहीं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आराम से समझ लेते हैं. मतलब हमारे समझ में आता है कि हाउ पैराग्राफ और आर्टिकल इज रिटन. ठीक है, और जब आप पता होगा किसी चीज को कैसे लिखा जाता है तो हम उसको अरेंज करना भी आराम से कर पाते हैं. ठीक है, उस अपनी इन्फॉर्मेशन को कि हाउ टू वी इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे और हाउ टू एंड अ पैसेज, जो भी चीज है, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम यूज कर पाते हैं. ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और उसके लिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो रीडिंग को आप आदि से शुरू कर दो, बिल्कुल ऐसा है. एंड मेक अ नोटबुक वीडियो ओनली, क्योंकि वोकैबुलरी करना आपको पता है वोकैबुलरी एक्टिवली नहीं कर सकते. कि जैसे ऐसा होता है ना कि आज हम नाउंस पढ़ रहे हैं या फिर हम किसी और चीज के चैप्टर पढ़ रहे हैं, वोकैबुलरी ऐसा प्रोसेस है जो पूरा टाइम चलना चाहिए. ठीक है, आपको कहीं भी कोई भी नया वर्ड दिखता है नोट इट डाउन और चीजों को रिवाइज करते रहो ऐसा. ओके, तो ये हमारा रीडिंग सेक्शन. अभी रीडिंग सेक्शन के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस और अलग तरीके से भी मिलते हैं. एक चीज बताता हूँ, जैसे रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, कई बार बैंकिंग में यू गेट क्वेश्चंस लाइक दिस, जिसे बोलते हैं पैराग्राफ कंप्लीशन. पैराग्राफ कंप्लीशन जनरली बैंकिंग में पीओ एसबीआई पीओ में पूछा जाता है. इसमें व्हाट डू दे डू, देयर इज अ पैराग्राफ गिवन. ठीक है, एंड लास्ट में ब्लैंक हो सकता है, स्टार्टिंग में, बीच में, यानी कि पैराग्राफ में एक ब्लैंक होगा एंड बाकी पूरा पैराग्राफ चल रहा होगा. देन देयर आर ऑप्शंस एंड व्हाट दे आस्क यू कि विच ऑफ दी सेंटेंसेस विल कंप्लीट द पैराग्राफ. यानी पैराग्राफ के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो ब्लैंक में आना चाहिए. ठीक है, अगेन हमारी रीडिंग अच्छी होगी तभी इस चीज को कर पाएंगे. तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से पूछ ले जाते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो यही है, पैसेज, क्लोजेस एंड रीअरेंजमेंट. एंड देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो एन आरसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे पा रहे, बिकॉज सारा कुछ रीडिंग पे ही बेस्ड है. तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें मिलते हैं, और बैंकिंग में अगर हम देखते तो अराउंड 5 क्वेश्चन इस पे मिल जाते हैं कई बार, मीन्स में इस पे क्वेश्चन मिल जाते हैं. ठीक है, तो ये है. चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट, बाकी इसमें आरसी के अंदर और भी काफी सारे अलग नए नए तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, उसे हम लोग प्रैक्टिस करते टाइम भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पार्ट आता है ग्रामर. जैसे टेल मी, ग्रामर का नाम सुनते हैं हम लोग के दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आता है कि क्या पूछा जाएगा. हम ग्रामर की बात करते हैं, स्पॉटिंग एरर्स बेसिकली क्या होता है, देयर इज अ सेंटेंस जिससे आप डिवाइड करते हो कुछ 4 or 5 पार्ट्स में. ठीक है, ए बी सी डी और लास्ट में एक और ऑप्शन होता है ई, जो कि होता है नो एरर. ठीक है, ई पार्ट. ठीक है, नो एरर यानी कि आपको इसमें क्या करना होता है, यू हैव टू रीड द सेंटेंस एंड यू हैव टू फाइंड कि कौन से पार्ट में देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर. ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग अगर बी में है तो बी इज द आंसर, और आपको लग रहा है सेंटेंस करेक्ट है तो ई इज द आंसर. ठीक है, तो पहला तो स्पॉटिंग एरर पूछा जाता है जनरली. अच्छा ये बताएं सबको, जैसे कि हम एसएससी की बात करते हैं, सीजीएलए सीएचएसएल की बात करें, एसएससी में देयर आर 25 क्वेश्चंस इन प्री. ठीक है, देयर आर 25 क्वेश्चंस इन प्री. एंड बैंकिंग की बात करें, you get around 30 questions. You get 30 questions in pre or your pre examination. ठीक है, तो pre में आपके 25 में 30 questions आते हैं, और SSC में generally जो पूछा जाता है वो 3 से 4 questions पूछे जाते हैं spotting errors पे. And banking में you get around 5 to 8 questions. और it depends, totally depends. वैसे roughly हम बात कर रहे तो 5 questions तक पूछे जाते हैं spotting errors पे, but कई बार डिपेंड करता है, जैसे एसबीआई ने एक बार 8 क्वेश्चंस दिए थे, एक बार 10 क्वेश्चंस दिए थे एरर्स पे ही. इट वाज समथिंग अराउंड 2017 और 2018. ठीक है, तो 5 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और 10 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो डिपेंड करता है. बट इफ वी आर रेडी तो हार्डली मैटर्स एग्जाम का पैटर्न क्या है. अगर हम चीजों को लेकर रेडी हैं तो, मतलब 5 क्वेश्चन पूछे 10 क्वेश्चन पूछे, हमें आता है तो हम कर ही लेंगे ऐसा. तो यस, तो यहाँ पे हम लोग अपनी ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामेटिकल जो भी हमारे स्किल्स हमने इम्प्रूव किए एरर्स को, उस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे. साथ ही साथ इसमें एक और क्वेश्चन आता है जिसे हम बोलते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट. ठीक है, ये हमारे स्पॉटिंग एरर. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है,
इंस्टेंट इज इंप्रूवमेंट, यू गेट अ क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए दिया है, इसमें एक पार्ट आपका अंडरलाइन कर दिया जाएगा, जिस पार्ट इज अंडरलाइंड और हाईलाइटेड, कुछ भी इसको हाईलाइट कर दिए, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, तो कोई पार्ट यहाँ पे आपका हाईलाइट कर दिया, देन देयर आर ऑप्शंस, ठीक है, फोर और फाइव ऑप्शंस, फोर ऑप्शंस आते हैं एसएससी में एंड बैंकिंग में आते हैं फाइव ऑप्शंस, ठीक है, तो आपको बताना होगा कि जो गिवन पार्ट है अगर इसके अंदर एरर है, देयर इज एनी एरर इन द हाईलाइटेड और अंडरलाइंड पार्ट, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो उसे रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, तो आप बताओगे अगर इसमें कुछ एरर है आपको लग रहा है बी ठीक है तो आप उसकी जगह बी लगा दोगे कि बी इज द करेक्ट आंसर एंड बी शुड रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट, और इफ यू थिंक देयर इज नो एरर इन द गिवन पार्ट, अगर इस वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है ठीक है, तो यहाँ पे ई सेक्शन आता है आपका, यानी ई जो ऑप्शन होता है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड या फिर नो इम्प्रूवमेंट, तो इस तरीके से मार्क कर देते हैं, तो इसमें भी यू गेट मोस्टली इसमें ग्रामर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी आती है, कई बार वर्ड्स की भी मिस्टेक होती है, ठीक है, वर्ड्स के कि वर्ड का कोई और वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग इज गिवन हियर एंड यू टू फाइंड कि कौन सा वर्ड शुड रिप्लेस दिस वर्ड, ठीक है, तो वर्ड की भी एरर दे सकते हैं, कई बार इसमें ग्रामेटिकल एरर भी देते हैं, तो ये इसका पार्ट हो गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो बेसिकली यहाँ पे हम ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी भी इंप्रूव होता है, मतलब रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे, ताकि हम समझ सकें और सही पार्ट को आंसर कर सकें, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको ग्रामर को, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि यहाँ पे चलो इस तरीके से इन्वॉल्व होता है, मतलब स्पॉटिंग एरर्स नो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, लेकिन ग्रामर को हम लोग केवल इतना ही समझेंगे कि इनसे ये तीन चार पांच क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर तो हमें इम्प्रूव करना है हर एक पार्ट के लिए, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी बेस्ड भी होता है, आपको पता है ग्रामर बेस्ड भी होता है, जैसे हम लोगों ने क्लोज टेस्ट की बात की थी, बिल्कुल क्लोज टेस्ट की तरह ही, क्लोजेस्ट में मैंने बताया ना कि किस तरीके से वोकैबुलरी तो हमारे वर्ड्स तो अच्छे होने चाहिए, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि किसी वर्ड के साथ में हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, कई बार वर्ड पे टेंस का भी फर्क पड़ता है ना, या वर्ब की फॉर्म का भी, ठीक है, कि कोई वर्ड आपको दे रखा है, जैसे सिंपल ही लिखा है, ठीक है, ही गोज देयर, तो हमें पता है ही के साथ हम लोग गोज लगाते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आपकी जो वर्ब है, मतलब ही गोज लगाएंगे, और अगर दे लिखा होगा तो दे के साथ हम गो लिखते हैं, तो आपको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं, इसी तरीके का कभी कभी वर्ब के साथ भी हो सकता है, टेंसेस का भी इसमें चीजें हो सकती हैं एंड प्रीपोजिशन भी, तो एक तरीके से देखा है तो फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट, उसमें भी ग्रामर इन्वॉल्व होता है आपका, ठीक है, तो क्लोज टेस्ट देख लिया था हम लोगों ने कि रीडिंग वोकैबुलरी प्लस ग्रामर तीनों चीजें इसके अंदर बहुत होती, तो हम किसी भी क्वेश्चन को कर पाते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से, एंड सेम गोज फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भी हम लोगों ने बचपन से पढ़े हैं, देयर इज अ ब्लैंक गिवन और आपके पास ऑप्शंस होते हैं, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर सेंटेंस पढ़ने के बाद, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट में डिफरेंस सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्लोज टेस्ट में क्या होता है, देयर इज अ पैराग्राफ जिसके अंदर ब्लैंक्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसके अंदर ब्लैंक्स है, ठीक है, एक या दो ब्लैंक्स आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, तो बस वही है, यहाँ पे यू गेट अ सेंटेंस and here you get a passage or a paragraph, ठीक है, तो बस इसमें difference वही होता है कि sentences में तो आपको पता है there are हर एक sentence is a like individual sentence अलग अलग आपको मिलता है, और यहाँ पे passage में देखा जाए तो सारे blanks they are connected क्योंकि वो एक paragraph का part है, ठीक है, तो this is how you get grammar involved in this reading section, ठीक है, now let's talk about रीअरेंजमेंट, ग्रामर के इन्वॉल्वमेंट रीअरेंजमेंट में कैसे होते हैं, आपको लगता है रीअरेंजमेंट में कई बार हम लोग ग्रामर को यूज कर सकते हैं, हाउ टू हाउ कैन वी यूज, आपने देखे होंगे रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, कंजंक्शन से, बिल्कुल से, ठीक है, कंजंक्शन होते हैं, क्योंकि देखो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, क्वेश्चंस देखे होंगे आप लोगों ने कि यू हैव टू जॉइन दी सेंटेंसेस, आपको एक करेक्ट रीअरेंज करके एक पैराग्राफ बनाना है, सो व्हाट डू यू डू, यू टेंड टू मेक पेयर्स कि बी के साथ डी आएगा, ठीक है, और कई बार हम लोग टेंस की हेल्प से वर्ब्स की हेल्प से डिफाइन करते हैं, ठीक है, कंजंक्शन हेल्प करते हैं हमें, ठीक है, वैसे वर्ड्स देखे ना आप लोगों ने, दस येट डिस्पाइट
इन स्पाइट ऑफ है ना कनेक्टिव्स जो थे हमारे यस ठीक है दे हैव बीन कनेक्टिंग दीज सेंटेंसेस ओके तो आपको कई बार ऐसा होता है ना हम लोग रीडिंग कर रहे होते हैं तो एक हमें पता चल जाता है कि एक सेंटेंस इस पार्ट पे एंड कर रहा है तो नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ से शुरू होना चाहिए ठीक है इस टाइप की चीजें हमें पता चल जाती है और ये हम लोग कर पाते हैं फिर अपनी रीडिंग से ठीक है तो दिस इज हाउ यू यूज ग्रामर इन अरेंजिंग द सेंटेंसेज एज वेल तो इस तरीके से आप इसे यूज करते हो नेक्स्ट आता है हमारा वोकैबुलरी वोकैबुलरी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी काफी बात की थी कि वोकैबुलरी आप कैसे यूज करोगे और कैसे प्रिपेयर करोगे तो रीडिंग के साथ आप वोकैबुलरी प्रिपेयर करोगे और इसमें क्वेश्चंस आपको पता है वोकैबुलरी बेस्ड कैसे आते हैं सिनोनिम एंड एंटोनिम्स बताएं आपको ठीक है साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबको पता होगा देयर इज सेंटेंस गिवन एंड दे विल आस्क कि इसको हम क्या मतलब वन वर्ड क्या बोल सकते हैं अ पर्सन हु डज दिस इज कॉल्ड दिस इस तरीके से है ना अ पर्सन हु कलेक्ट पॉइंट्स अ पर्सन हु व्हाटएवर कुछ भी तरीके का करता है ठीक है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलते हैं सिनोनिम्स मिलेगा एंटोनिम्स मिल जाते हैं ठीक है साथ ही साथ वोकैबुलरी के इन्वॉल्वमेंट आपको पता है फिलअप्स और क्लोजेस में तो है ही बिकॉज वर्ड पता होंगे तभी उन्हें सही से फिल कर पाएंगे किसी भी जगह पे ठीक है तो दिस इज हाउ यू गेट वोकैबुलरी आफ्टर वोकैबुलरी आपको पता है नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस ठीक है इडियम्स एंड फ्रेजेस सब लोग देखा होगा और कई बार इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या होता है ना कि हम लोग सेंटेंसेस मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या होगा ठीक है जैसे कोई भी एग्जांपल पिता नील ऑन द हेड सुना ये पिता नील ऑन द हेड व्हाट इज इट मीन ऑप्शन ऐसे मिलते हैं ना कुछ भी डू द करेक्ट थिंग to harm oneself ठीक है और whatever कुछ भी इस तरीके के और options दे दिए जाएंगे तो yes to hit the nail on the head का मतलब क्या होगा yes to do the correct thing है ना इस तरीके से आपको कोई भी idioms and phrases मिलते हैं there are options given जो भी आपके लिए तीन चार options दिए हैं you have to find the correct answer कौन सा होगा इसके लिए ठीक है हमें पता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस मोस्टली दे आर समटाइम्स बेस्ड ऑन द यस यस क्लियर थी ये रहेगा गेट टू डू द राइट थिंग डू द करेक्ट थिंग यस ठीक है कई बार क्या होता है ना हम लोग कुछ इस तरीके के इडियम्स मिलते हैं जहां से हम पढ़ के वी इजीली फाइंड आउट कि क्या होना चाहिए इसका ऑप्शंस कई बार ऐसा होता है कि जो कनेक्टेड नहीं दिख रहा होता कई बार हमें कनेक्शन मिल जाता है कई बार कनेक्शन नहीं मिलता लेकिन हाँ इसके लिए हमें सबसे जरूरी है कि हमें रीड करना ही पड़ेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस हम क्लास के अंदर काफी सारे मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रैक्टिस करेंगे वी विल रीड एंड वंस यू रीड एनी इडियम और उसके बाद उसका आप मीनिंग देख लेते हो कि इसका है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है नेक्स्ट टाइम आपको याद रहता है तो इसके लिए एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है किसी भी इडियम को ठीक है और आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में या कहीं भी कई बार काफी बार लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज करते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी लोग कम्युनिकेशन में भी यूज करते हैं और अगर आप अपने कम्युनिकेशन इडियम्स यूज कर पा रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाता है ठीक है तो इडियम्स एंड फ्रेज भी प्रैक्टिस करेंगे एसएससी में क्या होता है एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि दिस इज एन इडियम इसका मीनिंग क्या होगा व्हाट इज द मीनिंग व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस इडियम ठीक है इस तरीके से आपको एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है बैंकिंग में कई बार आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस एरर्स में मिल जाते हैं ठीक है एरर्स के अंदर मिल जाते हैं किस तरीके से कोई भी अगर होगा ना उसका मीनिंग उसका पार्ट चेंज कर देंगे हिट द नेल ऑन द हेड की जगह कुछ और कर देंगे ठीक है तो आपको पता होगा कि दिस इज इनकरेक्ट करेक्ट तो ये होता है तो आप उसमें बस एरर लगा देते हो कि हाँ दिस इज इनकरेक्ट तो एरर्स में मिल जाते हैं आपको ये बैंकिंग के अंदर और इडियम्स एंड फ्रेजेस एसएससी में डायरेक्ट कि यू हैव टू टेल द मीनिंग ओके तो रफली दिस इज आवर सिलेबस फॉर द प्री एग्जामिनेशन
Okay. Question number what? Status. So what questions do we get on status, Asa? Wait a minute. Okay. Yes, sir. Arshina. So status, मतलब इसमें ETFC phase के अंदर how do we get question on status, है सर? या कौन सी question की बात कर रहे हो? Didn't get it. ऑल्सो से स्टार्ट करते हैं. ओके दीज अच्छा ये जनरली हम लोग इसे एडवर्ब्स के टाइम पे पढ़ते हैं दीज स्टेटस. ओके तो इसे कैसे यूज करते हैं हम लोग सेंटेंस में, इस पे क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं ऐसा जो आस्किंग कि ऑल्सो से स्टार्ट करते हैं या फिर इस टाइप का कुछ ऑल्दो और दो में क्या डिफरेंस होता है इस टाइप कुछ बोलते हैं हम लोग. ठीक है एंड ऑल्दो के साथ येट आना चाहिए दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस आपको एरर्स में मिलते हैं. ठीक है एरर्स में क्या होता है, अब जैसे देयर इज अ रूल, अगर आपने देखा है आपको पता होगा जैसे हम ऑल्दो की बात करते हैं. ठीक है ऑल्दो इज जनरली फॉलोड बाय येट और अ कॉमा. मतलब अगर हम ऑल्दो को यूज कर रहे हैं उसकी तरह कनेक्शन की तरह तो ऑल्दो के साथ हम या तो येट लगाते हैं या फिर कॉमा लगाते हैं. तो हाउ डू यू गेट द एग्जामिनेशन, जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, दिस इज हाउ यू गेट ऑल्दो he studied hard but he did not qualify the examination. ठीक है इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाता है although he studied hard but he did not qualify the examination. ठीक है तो अभी क्या होगा इसमें कैसे से करिएगा सुना. ऑल्दो को अगर हम लोग कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं ना तो व्हाट डज इट डू, ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं. तो ठीक है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं इनके. और इसमें जैसे अलग क्वेश्चन मैंने भी लिखा इसमें व्हाट डू वी डू बट की जगह येट आ जाएगा यस. ठीक है क्योंकि हमने अभी देखा कि ऑल्दो के साथ आप येट लगाते हैं या फिर कॉमा लगाते हैं, यहाँ पर बट नहीं आएगा येट आएगा और इस तरीके से यू गेट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. ठीक है तो वो बस ये होता है कि हमने जो रूल पढ़ा है और उसका कंट्राडिक्टरी उसका ऑपोजिट सेंटेंस में आपको दे देते हैं एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर. ठीक है तो ये सारी चीजें दीज वर्ड्स दीज काइंड ऑफ वर्ड्स ये सारे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इन एडवर्ब्स और कंजंक्शंस यहाँ पे हम लोग इसे पढ़ते हैं और इन पे क्वेश्चंस आपको इस तरीके के मिल जाते हैं. एंड एट टाइम्स ये क्वेश्चंस आपको कई बार इसमें मिलते हैं आपको फिलअप्स में, फिलअप्स से ज्यादा ये क्लोजेस में पूछा जाता है क्योंकि क्लोजेस इज वॉट क्लोजेस इज अ पैसेज तो उसमें कई बार ब्लैंक्स ही होंगे. ठीक है एंड यू विल बी गिवन ऑल दो डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ ऐसा कुछ भी दे रखा होगा एंड यू हैव टू फाइंड कि करेक्ट क्या आना चाहिए, व्हाट वी शुड यूज टू मॉडिफाई द सेंटेंस, कौन सा वर्ड यूज किया जाना चाहिए. तो वहां पे भी आपको इस तरीके से इससे दो तरीके से पूछाते हैं सवाल, मोस्टली एरर्स के अंदर या फिर क्लोजेस के अंदर. ठीक है तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं पूछने के लिए. चलिए तो हम किसकी बात कर रहे थे, इंडियन फ्रेसेस, तो वो तो चलो ठीक है.
Williamson, physics हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे and we will be able to get most of them. तो Williamson phrase में ये ऐसा पार्ट है जो आप खुद भी कर सकते हो, एक क्लास में तो हम लोग करेंगे ही, बट दिस इज समथिंग जो हमें पर्सनली इम्प्रूव करना है अपना. तो आप रीडिंग, क्योंकि इसमें नॉवल रीडिंग ही इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, हम रीड करते हैं, वी फाइंड द मीनिंग कि किस idiom का क्या मीनिंग है, वो हम इसके अंदर करते हैं, ठीक है, ये तो हम साथ में भी रीड करते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं. चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन. एसएससी में आपको पता है मतलब पैटर्न, हम लोग अभी क्वेश्चन करते समय सब कुछ देखेंगे. बाकी एसएससी में प्री में यू गेट 25 क्वेश्चंस. पैटर्न सबको पता है, मींस में कितने क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में? पता है किसी को हाउ मेनी क्वेश्चंस डू यू गेट इन मींस इंग्लिश? देखो प्री में आपके पास यू गेट 100 क्वेश्चंस, 100 आउट ऑफ 100 देयर आर 25 English, ठीक है, 25 English, 25 Maths, Reasoning and GS. Means में you get, means में आपके दो exam होते हैं, दो paper होते हैं, Maths and English. English में आपके पास आते हैं, there are 200 questions, ठीक है, this is for 2 hours, 2 घंटे का होता है, और उसमें 200 questions होते हैं, basically questions ही होते हैं, almost थोड़ा सा level up होता है, and at least 200 questions you have to solve in 2 hours. आराम से sufficient time होता है, 2 घंटे में हम पूरे questions कर सकते हैं, जितने में आते हैं, and हम बात करेंगे कि किस तरीके से करना है. So this is your tier 1, this is your tier 2, ठीक है, then there is tier 3, सबके लिए common है. So जब आप tier 2 clear करते हो, तो tier 3 आता है, जो हमारा होता है, descriptive. What is descriptive? Descriptive में क्या मिलता है हमें? What kind of question do we get in descriptive examination, guys? So letter and essay. Yes. करेक्ट सर, यहाँ पे हमें मिलता है लेटर एंड एसे, ठीक है, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, ठीक है, एंड यस कनिका एसे राइटिंग आता है इसमें बिल्कुल से, एंड प्रेसी राइटिंग, ठीक है, प्रेसी राइटिंग इज व्हाट बेसिकली जहाँ पे हम लोग समरी लिखते हैं, स्कूल में भी आता था इसके काफी स्कूल से, प्रेसी राइटिंग वेर यू आर गिवन अ पैराग्राफ, ये पैराग्राफ ये होगा और उसे आपको इसका समरी लिखना है, लेकिन इन अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, नोट टेकिंग, यस नोट टेकिंग जैसा ही हुआ बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ ये होगा उसे आपको शॉर्ट करके लिखना है, यानी कि इसकी समरी लिखनी है इन योर वर्ड्स और लगभग 1/3 वर्ड्स में, ठीक है. ऐसे राइटिंग हमें पता है लगभग 250 वर्ड्स हमें का ऐसे आता है, एंड देयर इज लेटर राइटिंग. तो ये है, अब आपको पता है कि यू हैव टू राइट एन एसे इन द एंड, मतलब आपको थर्ड एग्जामिनेशन में आपको एसे राइटिंग करना है, डिस्क्रिप्टिव भी तैयार करना है, तो प्री की तैयारी से ही अभी से हम लोग तैयार करके चलते हैं इस हिसाब से कि हमें डिस्क्रिप्टिव भी देना है ऑफ कोर्स, ठीक है. तो एसे राइटिंग के लिए आपको पता है कि यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग, उसी के बाद हम किसी भी रैंडम टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे कोई भी आ सकता है, ठीक है, टॉपिक्स पे हम लोगों को तैयार करने के लिए वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग, और उसे प्रिपेयर करने के लिए हम रीडिंग करेंगे, और रीडिंग जो हम लोग कर रहे हैं हमें पता है हमारे प्री एग्जामिनेशन में हेल्प कर रहा है, मेंस में हेल्प कर रहा है, एंड डिस्क्रिप्टिव में तो कर ही रहा है ऑफकोर्स, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू गेट क्वेश्चंस हियर. एंड अगर हम बात करते हैं बैंकिंग में, बैंकिंग में प्री में यू गेट 30 क्वेश्चंस, ठीक है, मींस में इट डिपेंड्स, कुछ एग्जाम्स में 30-35 क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली 35 आ जाते हैं मींस में, ठीक है, एंड यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव होता है आपको, ठीक है, यस प्रिया 35 क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे भी होता है, वेयर एसे राइटिंग लेटर राइटिंग यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है. इसके बाद कुछ कुछ एग्जामिनेशन में इंटरव्यू होता है, कुछ नहीं होता, वो आगे डिपेंड करता है, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर. आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव आपको तैयार करना है सीजीएल के लिए भी, सीजीएसएल के लिए भी, एंड बैंकिंग के लिए, ठीक है. तो बैंकिंग पीओ में आपका जनरली जो एनईटी पीओ है, एसबीआई पीओ है, वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. और क्वेश्चन का जो ब्रेकडाउन होता है कुछ इसी तरीके से होता है, जैसे आप अगर आप 25 क्वेश्चन है तो जनरली 5 क्वेश्चन आपको एसएससी में मिल जाते हैं, क्लोज टेस्ट और पैसेज, ठीक है, 5 क्वेश्चन मे बी फिलअप्स, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन फ्रेजेस, Williamson phrases, ठीक है, 3 questions around on synonyms, 3 questions on antonyms, ठीक है,
थ्री क्वेश्चंस, कभी कभी वन वर्ड्स में मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यू गेट दीज क्वेश्चंस और इन्हीं में से मतलब क्वेश्चन सेलेक्ट करके यू गेट 25 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड बैंकिंग में भी सेम इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस वी गेट ऑन क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट। क्लोज टेस्ट आता है, फिर रीअरेंजमेंट भी आता है, रीअरेंजमेंट पैसिव बोल सकते हैं हम, ठीक है। 5 क्वेश्चंस मोस्टली ऑन फिलअप्स, 5 क्वेश्चंस ऑन रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। क्योंकि वोकैबुलरी जो सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाते हैं आपके, आपसे पैसेज में ही पूछ लिए जाते हैं अगर दिया होता है तो, ठीक है। देन अराउंड 5 क्वेश्चंस वी कैन गेट ऑन पैराग्राफ कंप्लीशन। ओके, देन 5 ऑन स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। दिस इज हाउ यू गेट क्वेश्चंस। बाकी हम लोग अभी जब एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम लोग टेस्ट देखेंगे, मॉक टेस्ट करना शुरू करेंगे, तो वहां पे पता चल जाएगा कि अलग अलग स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। बिकॉज एट टाइम्स व्हाट हैपेंस, दे गिव क्लोज टेस्ट, एट टाइम्स व्हाट हैपेंस, दे गिव पैसेज, और समटाइम्स दे गिव बोथ, 5-5 क्वेश्चन लोगों के दे देते हैं, ठीक है। तो उससे हमें हार्ड, इट विल लाइक इट हार्डली मैटर्स अगर हम लोग तैयार करें, क्योंकि हम लोग इस तरीके से तैयार करेंगे कि वट एवर द पैटर्न ऑफ द एग्जाम इज, ठीक है, हम करने के लिए हम आराम से रेडी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस थिंग? अभी तक क्लियर हुआ जो समझ में आया हम लोगों ने जो थोड़ी बहुत बात की एग्जाम के बारे में? ओके, नाइस। चलिए बढ़िया, हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी, विल स्टार्ट विद ग्रामर, ठीक है। हम लोग ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें वी विल स्टार्ट विद पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, उसके टेंसेस देखते हैं, एंड अगर हम बात करें एसएससी की, तो उसमें एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी आते हैं, ठीक है। तो यार स्टार्ट करेंगे देन साथ में बीच में हम लोग रीडिंग कॉम्पिटिशन का पार्ट भी करते चलेंगे, ठीक है। यानी कि हो सकता है हम लोग ने ग्रामर के कोई दो टॉपिक कर लिए, मे बी वी विल स्टार्ट विद नाउंस देन प्रोनाउंस, ठीक है। उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद, वी विल डू सम सेक्शन ऑफ आरसी, उसके बाद हम फिर से अपने ग्रामर को कंटिन्यू कर सकते हैं, इस तरीके से करेंगे। तो दो या तीन टॉपिक के बाद वी विल पिक सम टॉपिक ऑफ आरसी, जैसे हम लोगों ने पैसेज कर लिया, क्लोजेस कर लिया, ठीक है। एंड बीच में वी विल डू एक्सरसाइजेस लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये हम क्लासेस के बीच में फिलर्स की तरह यूज करते चलेंगे, ठीक है। जैसे हमने ग्रामेटिकल रूल्स कर लिया, उसके बाद हम लोग साथ में फिल इन द ब्लैंक्स या ऐसी चीजें भी करते चलेंगे। एंड व्हाट वी विल डू क्लास के अंदर, जैसे हम लोगों ने कोई भी जब रूल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो साथ में आपको एग्जाम्पल्स तो कराता ही जाऊंगा, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल्स होंगे, जो भी चैप्टर किया है, जो भी जैसे कोई रूल पढ़ा हमने, जैसे इफ वी स्टडी रूल 1, तो उसके एग्जाम्पल हमने किया, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल, एक एक दो एग्जाम्पल हम समझते हुए कि क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, या फिर व्हाट इज द एग्जाम्पल, हाउ डू वी एक्सप्लेन द रूल, वो हम देखते चलेंगे। आफ्टर दैट हम बीच में तो कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे, यानी थोड़ी 4-5 क्वेश्चन की एक्सरसाइज बीच में हम करते जाएंगे। देन एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम एक मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे ऑफ दैट चैप्टर, ठीक है, of one grammar, grammatical, any rule or any chapter, ठीक है। तो कोई भी फिर हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर की जो भी हमने एक रूल पढ़ा है, एक चैप्टर पढ़ा है, उसकी हमें एक मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसे नाउंस है, नाउंस के हम लोग साथ में एक एक रूल के साथ में विल डू द एग्जांपल्स, एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल डू अराउंड 40-50 क्वेश्चंस जो इसी पे बेस्ड होंगे। इस तरीके से आपको सारे रूल्स याद होते चलेंगे, ठीक है। तो बस इतना होगा कि यहाँ पे हम लोग जो भी क्लास में करते जाएंगे, वो एक बार रूल्स आपको घर पे, मतलब जो भी कुछ है आपको रिवाइज करना होगा। देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क ड्यूरिंग द क्लास और आफ्टर द क्लास एज इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड। एंड व्हाट यू शुड स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। रीडिंग धीरे धीरे करना शुरू करो, एज इन यू कैन गिव 15-20 मिनट्स डेली, ठीक है। बाकी आपका डिपेंड करता है, 15-20 और 30 मिनट्स यू कैन गिव टू रीडिंग।
और साथ में मेगा नोटबुक जिसमें आप वोकैबुलरी नोट कर सको, ठीक है? तो ये चीज अभी से करना शुरू कर दो और बाकी वी विल स्टार्ट विद ग्रामर इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? तो लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर टुडे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाउन से स्टार्ट करेंगे एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग वो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास से पूछ सकते हो, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग विद नाउन्स, ओके? चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट क्लास. Thank you.